हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप रॉय मंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मिक्स कंटेंट्स जो है प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के दो खास फीचर्स के बारे में। एक है कम्युनिटी टैब और दूसरा हमारा जो है शेयर पोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इन दोनों फीचर्स को पाने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है मिनिमम होना चाहिए, प्लस 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट होने चाहिए और आपका चैनल जो है मोनेटाइज भी हुआ रहना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप इन दो फीचर्स का जो है आनंद उठा पाओगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो है और प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि इवन आफ्टर आपका चैनल जो मोनेटाइज होकर आ जाता है, उसके बाद भी आपको ये दो फीचर्स जो है दिखते नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि तुरंत मोनेटाइज होने के बाद ही ये दोनों फीचर्स आपको नहीं दिखेंगे। आपको कम से कम 1 वीक तक तो वेट करना ही पड़ेगा और 1 वीक के तुरंत बाद ही ये दो जो फीचर्स है आपके यूट्यूब चैनल पर जो है आ जाएंगे और आप इन दो फीचर्स का जो है आनंद उठा पाओगे। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं कि 1 वीक होने के बाद भी जो है उनके चैनल पे ये दो फीचर्स देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है जिससे आपको ये दो फीचर्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो यूट्यूब अपने मोबाइल में खोल लिया है, प्लस वाला बटन को क्लिक करते ही अपलोड अ वीडियो, क्रिएट अ शॉर्ट और गो लाइव का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्रिएटर पोस्ट का कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि मेरा 1K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे साथ भी यही इशू है, तो चलिए मैंने क्या क्या आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद जो है आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, बिल्कुल आप टॉप राइट ऊपर जो है, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे आपका प्रोफाइल का जो है आइकॉन दिखता है, उसमें क्लिक करना है। कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस खुलेगा, बिल्कुल बॉटम में हेल्प एंड फीडबैक में क्लिक करना है, फिर बॉटम में सेंड फीडबैक में क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए कि आप लोगों को क्या लिखना है। दोस्तों, एक बात बता दूं, ये सेंड फीडबैक वाला फीचर आपको तभी यूज़ करना है जब 1 वीक हो जाए और आपका चैनल भी मोनेटाइज है, लेकिन आपको जो है क्रिएट अ पोस्ट और ये कम्युनिटी टैब नहीं दिख रहा है, तभी आपको जो है ये सेंड फीडबैक वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली यूट्यूब को बता रहे हो कि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है, लेकिन मुझे कम्युनिटी टैब और क्रिएटिव पोस्ट फीचर अभी तक दिख नहीं रहा है। तो इससे जो है यूट्यूब के जो रिव्यू पार्टनर है वो आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब और क्रिएटिव पोस्ट वाला जो फीचर है उसको जो है एनेबल कर देगा। यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है ये एनेबल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से आप जो है सेंड फीडबैक करके ये बता सकते हैं कि मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट कर लिया है, प्लस मेरा चैनल जो है मोनेटाइज्ड भी है। तो प्लीज़ ये दो फीचर्स जो है मेरे चैनल पर एप्लीकेबल करवा दो। दोस्तों, यहाँ पर इन दो फीचर्स का महत्व इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी टैब जो है ये आपको दोस्तों वाइड रेंज ऑफ ऑडियंसेस तक रीच करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सिमिलरली जो क्रिएटर पोस्ट का भी काम होता है, यही काम होता है, ये आपको वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंसेस तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिससे आपको सब्सक्राइबर्स प्लस व्यूज़ ज़्यादा मिलने के जो है चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं था, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है मिक्स कॉन्टेंट्स, अलग अलग वैरायटी के कॉन्टेंट्स बनते रहते हैं और एवरी वीक जो है मेरे कॉन्टेंट्स रिलीज होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से बच के रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।